नमस्कार, मैं विवेक महेश्वरी आरती सारी से एक बार फिर आपके सामने कुछ नई आइटम्स लेके और नेप के बारे में बताऊंगा आज मैं दोबारा। दिखाइए, क्योंकि नेट की आइटम्स की काफी डिमांड आ रही है फिर से। ये देखिए, अब देखिए साड़ी, ये इसका पास से बूटा, पूरा जरकन का काम भरा हुआ। पूरे बूटे भी जरकन के, हेवी बॉर्डर के साथ में, ऊपर नीचे दोनों साइड बॉर्डर है, बूटा है। ये देखिए इस तरीके से नेट पे। क्या रेंज की होती है? 2500 रुपए, 2500 रुपीज ओनली, 2500। ये देखिए आगे चलिए, अब ब्लाउज देखिए, इसका मेन ब्लाउज है। ब्लाउज कितना हैवी है, इसका पीछे फ्रंट बैक देखा था। ये देखिए फ्रंट हो गया, बाजू हो गई, बैक हो गई, सब कुछ का 2500 रुपीज ओनली। इसमें एक और कलर, रेड कलर, ये देखिए मीन वाइल मैं फिर से वही कहूंगा, मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, नीचे नोटिफिकेशन बेल पर जरूर क्लिक कर दें ताकि वेलवेट के ऊपर। ये देखिए पूरा ब्लाउज पीछे हैवी, आगे तीसरा रंग इसमें, नई चीज है उसके बारे में बता दूं। फिर से मैं वही कहूंगा, स्टार्टिंग में जैसे जिस कस्टमर को जो चीज चाहिए, आपको सिंगल पीस चाहिए मैं दूंगा, एक बार दो बार तीन बार देखिए उसको, वैरायटी देखिए, चीज चेक करिए, क्वालिटी चेक करिए, उसके बाद हम आपसे बात करेंगे कि हमें क्वांटिटी की। इसमें यहाँ पे जरकन का पूरा बूटा, ये शोल्डर स्टाइल कहलाएगा। ये देखिए कितना हैवी, ये इस तरीके से आएगा पूरा। प्राइस सेम है, 2500 रुपीज ओनली, 2500 रुपए। इसका ब्लाउज देखिए कितना बढ़िया हैवी, फ्रंट बैक बाजू दोनों सब। ये 1400 रुपए, 1400, 1400 रुपीज ओनली, 1400 रुपए में। ये देखिए शोल्डर स्टाइल ही है पूरा, में नीचे से ऊपर तक बेल जाती है, घूम के चलेगी ये बेल नेट पे। ब्लाउज देखिए काफी हैवी, दोनों साइड बाजू बनी हुई है। बाईस सौ रुपए में, 2200 रुपीज ओनली, गोल्डन जरकन के साथ में, पूरे में गोल्डन जरकन लगी हुई है। एक थोड़ा सा ये भी होता है, ये देखिए पीछे बाजू बनी हुई दोनों साइड बैक। काफी सारे कस्टमर कहते हैं सर व्हाट्सएप पे मैसेज कर दो, तो इस डिफिकल्ट जो कस्टमर्स ने ऑर्डर दिया होगा पहले उनको रिप्लाई हो जाए वही देने बताए, मैं आपको अलग से फोटो भेज पाऊँ थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। ये देखिए 2200 रुपए में दूसरा कलर, 2200 रुपीज ओनली। जो भी प्राइस मैं बता रहा हूँ ये मेरी शॉप के प्राइस है, इसके ऊपर कोरियर चार्जेस, यदि आपको कोरियर लगता है तो कोरियर चार्जेस, और नहीं तो जीएसटी अलग से लगेगा। ये इसलिए होता है हमेशा क्योंकि गवर्नमेंट की पॉलिसी है कि जो भी आखिरी में बिल बनेगा उसके ऊपर जीएसटी लगना है। अब 2200 रुपए पे आप यहाँ पे शॉप पे आके लेते हैं तो 2200 रुपए में जीएसटी है, और नहीं तो आपको जो चार्जेस लगेंगे उसके ऊपर जीएसटी देना पड़ेगा।
300 ये 2300 रुपीस 300 रुपए वेलवेट का बॉर्डर हो गया और उसके ऊपर ये जर्कन इस तरीके से लगा हुआ है दोनों साइड बॉर्डर ये बूटे ऑल ओवर भरी हुई साड़ी ये देखिए 2300 रुपए 2300 रुपीस ओनली 2300 रुपए में डबल इसमें एक तो ये किसी को नेट का ब्लाउज सिलवाना है तो नेट का हो गया नेट का सिलवाना है और वेलवेट का सिलवाना है तो ये वेलवेट का ब्लाउज हो गया आप दोनों ब्लाउज सिलवा सकते हैं जैसे आपका मन करे इसी रंग का एक और रंग 300 रुपए में ये भी होता है सर दूसरी चीज ये भी है कि बहुत जल्दी ये आइटम्स आउट ऑफ स्टॉक भी होती रहती है क्योंकि प्रोडक्शन एक लिमिट होती है देखिए जैसे वो साड़ी हमें उसमें डिफेक्ट नजर आया तो हमने हटा दी हम कभी भी कस्टमर को डिफेक्टेड साड़ी नहीं भेजेंगे चेक करते हैं दो बार ₹2500 में ये कितना चौड़ा बॉर्डर ब्लाउज दोनों साइड बैक दोनों साइड बैक और बैक तो आपको जो भी साड़ी पसंद आती है आप उसको स्क्रीनशॉट लेके व्हाट्सएप करिए मैं बताऊंगा स्क्रीनशॉट कैसे लेते हैं 2000 रुपीज ये बड़ा बूटा जो शोल्डर पे आएगा ये देखिए अब इसका ब्लाउज देखिए कितना हैवी फ्रंट बैक और दोनों साइड बाजू इतना बड़ा बूटा अच्छा ₹2000 2000 रुपीज ये इसका ब्लाउज पंटास में 2000 रुपीज रेड ब्लाउज ब्लू के साथ बीसू थोड़े को सभी आप कलर ले सकते हैं और स्टार्टिंग में तो क्या हम सब तरीके से दे रहे हैं कस्टमर को सीओडी भी बहुत सारे स्टेशन पे अवेलेबल है अब कहाँ है ये मैं नहीं बता पाऊंगा आप पिन कोड भेजिए तो ही बता पाएंगे क्या है ये देखिए कलर है
बाजू पर ये भी बना हुआ है एक डुबलो पीस में ये भी 2000 रुपीस में इसमें इस तरीके से स्टाइल में बनाया हुआ पैडिंग में है नीचे ऊपर लाइट है नीचे डार्क है पैडिंग में है इसका ब्लाउज हो गया पूरे में जरगन का बॉर्डर इस तरीके से जिसके ब्लाउज हो गए इसमें कुछ कंफ्यूजन लग रहा है देखिए सही है प्राइस 1800 रुपए में बहुत एवरेज है ब्लाउज भी बहुत हैवी इसके और एक वो मोबाइल लगे देना दूसरा कोई सा भी काला वाला फोन लगे देना जो सुनील पे रहता है फटाफट लगे दीजिए एक ये मैंने ऐप बनाई है आपको सबको पता है तो उसको रेगुलर अपडेट करिए अभी कल से कई लोगों की चल नहीं रही है वो चल इसलिए नहीं रही क्योंकि रात को उसमें हमने एक अपडेशन दिया है अब हमने पेमेंट गेटवे नहीं लगा था उसमें पेमेंट गेटवे लगवा दिया तो पेमेंट गेटवे का जिन कस्टमर्स ने पेमेंट करनी है वहां से पेमेंट कर देंगे अभी उसमें एक दो कमियां और हैं टाइम टू टाइम उसे अपडेट कराते रहेंगे आप भी उसे कर सकते हैं प्ले स्टोर से आप ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं ये मैं आप प्ले स्टोर खोलेंगे और वहां पे आरती सड़ी लिखेंगे देख आ गया अब इसको आप डाउनलोड कर लेंगे अब ये कल का मैं इसलिए दिखा रहा हूं क्योंकि अभी जिसकी भी ऐप है वो चल नहीं रही है आपको इसको अपडेट करना है इसको आपने अपडेट कर लिया अपडेट करने के बाद ही ये चलेगी इट विल टेक सम टाइम ये देखिए ये हो गया अपडेट अब इसको आप खोलेंगे तो यहां से चल जाएगी ये हो रहा है अब हमने इसमें क्या किया हमने इसमें पेमेंट गेटवे लगवा दिया यहां से आपने कोई सा भी पीस पसंद किया ये है कस्टमर्स कह रहे हैं सर इस डिफिकल्ट ये डिफिकल्ट नहीं है अब ये आसान है ज्यादा आपको जो पीस शेयर करना है वो शेयर करा आपको यहीं से बाय करना है तो आप यहीं से बाय भी कर सकते हैं आपने बाय नाउ किया आप यहां से एक पीस किया ये देखिए ये हो गया अब आपने एड टू कार्ट मुझे चेकआउट करना है यहीं से अब उसका नाम लिखो सपोज ये आपने नहीं बेचना अपने नाम से नहीं बेचना किसी और के नाम से बेचना मैं एक सेकंड इसको नाम हटा रहा हूं यहां से कोई भी एक्स वाई जेड हम नाम रखते हैं एक्स वाई जेड अब ये एक्स वाई जेड के नाम से जाएगा आपके नाम से नहीं जाएगा मेरे नाम से नहीं जाएगा जो ऑनलाइन रीसेलर्स हैं जिनको
पता है बिजनेस कैसे किया जाता है, दे नो इट वेरी वेल, उनको ये सब पता है, उसके नाम से भेजेंगे, उसके नाम से मैं पार्सल शिप कर दूंगा अपने नाम से। अच्छी रेट में क्या हो रहा है, सब कुछ ऑनलाइन चल रहा है, ऑनलाइन में सेल सस्ती हो जाती है। आपकी देखिए कॉस्ट कितनी बचती है, आपकी जगह की कॉस्ट, जब भी जो जना शॉप खोलता है उस जगह की कॉस्ट भी इंक्लूड करता है। आपने 10-20 लाख की, 50 लाख की, 1 करोड़ की जगह ली, उसकी भी वैल्यू, उसका भी कुछ ना कुछ किराया तो जोड़ेंगे एटलीस्ट। इंटरेस्ट तो नॉट पॉसिबल, इंटरेस्ट जोड़ेंगे तो काम ही नहीं हो सकता, यू आर 100% इन लॉस, लेकिन आप उसका किराया तो जोड़ोगे, प्लस आपने जो इन्वेस्टमेंट करी है वो इन्वेस्टमेंट भी जोड़ोगे, तो दोनों चीजें बन गई इसमें, ना तो आपने इन्वेस्टमेंट करी ना वो किया, प्लस जो आप माल खरीद के लाते हो उसका रिस्क भी होता है। इट्स नॉट श्योर कि 100% वो सारा माल बिक जाएगा, कभी बिकता है कभी नहीं भी बिकता, फिर कैसे होगा, वो भी बच गया, आपका मार्जिन कम होता है लेकिन आपके रिस्क भी कम हुआ है, विदाउट इन्वेस्टमेंट बिजनेस है। क्या आप देखिए और इस तरीके से इसमें, ऑल दो मुझे पता है कि इसमें प्रोडक्ट्स उतने अपलोड नहीं है, अपलोड क्या नहीं है, जितने हम करते जाते हैं उतने ज्यादा सोल्ड आउट भी होते हैं और बहुत स्पीडली आउट ऑफ स्टॉक भी हो जाते हैं। जैसे मैंने आज के प्रोडक्ट ही दिखाए, तो आज का अभी कोई प्रोडक्ट उस पर अपलोड नहीं है, अभी तक नहीं है, टिल नाउ, मुझे पता उससे पहले वो बिक भी जाएंगे, और मैं आगे उनको, खैर हम आज क्योंकि थोड़ा सा जल्दी हो रहा है, काफी लंबी पहले वीडियो बन चुकी है। टॉपिक ऑफ द डे, बहुत शर्म की बात, अभी मुजफ्फरनगर में, मुजफ्फरपुर में हुआ, देवरिया में हुआ, और ये हर जिले में है, एक एक होते हैं इस तरीके से। बालिका गृह बच्चों के लिए, क्या इस, डोंट यू थिंक इट्स अवर ओन ड्यूटी, आपको नहीं लगता ये हमारी खुद की ड्यूटी है कि हम उस सब तरह के चीजों का ध्यान रखें? हमारे इलाके में, हमारे मोहल्ले में, अड़ोस पड़ोस में, एरिया में एक इस तरीके से खुला हुआ, जहां छोटी बच्चियों को या बच्चों को भी, तो लड़कियों के बच्चे लिए, लड़कों के साथ भी होता है, बहुत कुछ गलत होता है, हमें, आपको नहीं लगता कि हमें ध्यान रखना चाहिए? हम सोसाइटी के जो मेंबर हैं, इधर उधर जाते हैं, हम उसमें जाएं कुछ बांटे भी, उनसे पूछे बच्चों आपको कोई तकलीफ तो नहीं है यहाँ पे, पर आदत तो सबको लालच ही कहना लगी पड़ी हुई है, यहाँ से क्या हुआ, कुछ नहीं मिलेगा, कोई नहीं पूछ रहा, इसलिए यहाँ पे कोई नहीं जाता, अभी नहीं जाता, मैं कुछ झूठ बोलूं मैं आपको सलाह दे रहा हूँ, लेकिन हाँ ये जरूर है, कोशिश करूंगा इस तरीके की आसपास पता करके मैं भी जाऊंगा, मैं भी नहीं जाता, मैं जहां जाता हूँ वो मुझे पता है, उसके बारे में नहीं बताऊंगा, लेकिन यहाँ पे नहीं जाता, इस चीज का मैं भी आगे से ध्यान रखूंगा। और आप लोगों से भी एक रिक्वेस्ट है, आपके आसपास कोई भी छोटे बच्चों या बच्चियों का, खासतौर पर बच्चियों का, इस तरह से कोई भी हाउस होम बना हुआ है उनका देखभाल का, तो उनका ध्यान रखें, ये हमारी ड्यूटी। आजकल के डेट में प्रॉब्लम दूसरी हो चुकी, कल ही मैं न्यूज़पेपर में पढ़ा था, एक आदमी को अपनी वाइफ को मजबूरी में बहुत ज्यादा बीमार थी, कोई एम्बुलेंस अवेलेबल नहीं हुई, रिक्शे में लेके जा रहा था लेटा के, वो लोग खड़े होकर वीडियो बना रहे हैं, यार व्हाट डू यू मीन बाय दिस, अभी किसी को चोट लग जाती है, किसी को कुछ भी हो जाता है, लोग उसको हेल्प करना बंद हो गया, उसकी वीडियो बनाना शुरू कर देते हैं, क्यों, वीडियो बना के क्या हुआ, वेरी बैड। आपको नहीं लगता कि हमें उसकी पहले हेल्प करनी चाहिए? भगवान ना करे, ऊपर वाला ना करे, ये आपके मेरे साथ किसी के साथ हो, आपके साथ हो, तो क्या आप दूसरा जना वीडियो बना रहे हैं वो आपको अच्छा लगेगा, उस समय आपको ऐसा नहीं महसूस होगा कि काश वो कोई हमारी मदद कर दे, जब ये दूसरा ऐसा हो सकता, जब आप खुद ये सोचते हो कि कोई मेरी हेल्प कर दे, तो क्या आपको नहीं लगता कि मुझे आप दूसरे की हेल्प करनी चाहिए? हेल्प करने के बहुत सारे तरीके हैं, एक बार ऐसा होता है कि मान लो काफी सारे जने हैं और आपको लगता है मैं अकेला कमजोर पड़ जाऊंगा, मैं नहीं कर पाऊंगा इस तरीके से, पुलिस में हेल्प करो, शोर मचा दो, और 5-7-10 आदमी को इकट्ठा कर लो। हुआ एक साथ, एक बार मेरे साथ ऐसा हुआ, मेरी तबीयत ज्यादा खराब थी और मैं उस समय अकेला भी था, तो फैमिली मेरे साथ और कोई नहीं था, खाली लेडीज थी, और मेरे आगे एक कार में आपस में टक्कर हो गई, वो उनको मार रहे थे, काफी सारे वो थे, 2-3 जने मिलकर हेल्दी हेल्दी से थे, मुझे लगा मेरी तबीयत भी सही नहीं है और मैं इनका मुकाबला नहीं कर पाऊंगा, मैंने फिर भी मैं बाहर उतरा, मेरे साथ भी लेडीज थी,
ने कुछ नहीं किया। मैंने कहा अरे कोई देख नहीं रहा, कस कस के शोर मचाना शुरू किया रेडिट पे। इधर उधर से धीरे धीरे लोग इकट्ठा होने शुरू हो गए, जैसे ही लोग इकट्ठा शुरू हुए भाग गया वो। मैं कोई हेल्प नहीं कर पाया, कुछ नहीं कर पाया। मुझे लगा वो मुझे भी मारेंगे, मैं इतना तो कर सकता था। मैंने कार को साइड में रोका, वहां पे शोर मचाया, काफी सारे लोग इकट्ठे हो गए, भाग गया वो अपने आप डर के मारे। कम से कम कुछ तो बचा हुआ सर। इस तरह की छोटी 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 मोटी हेल्प तो जो मैं उस समय कर सकता था, जो मेरे दिमाग में है, मैंने वो किया। आपसे भी एक रिक्वेस्ट है, जो उस समय हेल्प बन सके उस आदमी की मदद करिए। किसी भी तरीके से हो सकती है, कहीं पे भी हो सकती है, ये आपने सोचना है क्या करना है। लेकिन वीडियो बनाना बंद करिए, लोगों की हेल्प करिए। और सेम ये जो अभी बालिका गृह की बात चल रही है, इस तरीके से इसमें बहुत सारे नेता भी इन्वॉल्व हैं, आप और मैं, मतलब ना तो मैं इन्वॉल्व हूं ना आप, लेकिन हम जैसे बहुत सारे आदमी इसमें इन्वॉल्व हैं। क्या वो सही है? क्या आपके घर में कोई भी बच्ची नहीं है, कोई बहन नहीं है? बहन बेटी पत्नी तो है, कभी तो हो सकती है, माँ तो है। क्या यार, रियली शेम, मतलब वो शर्म आनी चाहिए उन सबको खुद को। क्या यहाँ पे भी हमें वही सऊदी वाला कानून लागू कर देना चाहिए? साले उतने का आदमी को काट के फेंक दो, पत्थरों से मारो, इतनी सख्ती ही चाहिए फिर? सर हम सबको ध्यान रखना पड़ेगा, बहुत ज्यादा शर्म है। मैं खुद नहीं समझ आ रहा मैं क्या बोलूं क्या नहीं बोलूं इस चीज पे। आप ही मुझे कोई सजेशन दीजिए, कुछ वो करिए ताकि इस पर कुछ किया जाए। हम सब लोगों को मिलके एक नया देश, नए भारत का निर्माण करना है। मैं तो खाली यही कहूंगा, इस चीज में हमें अपने लड़कों को, लड़कियों को, इस तरह के परिवार को, आदमियों को, सब चीजों का ध्यान रखना है। ताकि आपको मेरी बात जरूर अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को जरूर ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और इसलिए भी जरूरी है कि हम पुलिस में, इवन पुलिस भी इन्वॉल्व थी उसमें, बड़े बड़े नेता इन्वॉल्व थे, सब लोगों का ध्यान रखना है। यदि आपके मोहल्ले में इस तरीके से कोई अननोन कार आके रुकती है, अननोन पीपल्स आते हैं वहां पे, काफी सारे जिनको आप नहीं पहचानते, बार बार रेगुलर आ रहे हैं, तो उसका मतलब कुछ तो गड़बड़ है। क्यों आ रहे हैं इस तरीके से, क्या बिजनेस है उनका? वैसे तो हम अड़ोसी पड़ोसी का ध्यान रखते हैं कि कहां जा रहा है, कहां आ रहा है, नहीं तो हमारे अड़ोस पड़ोस में ऐसे पड़ोसी तो हैं जो हमारा ध्यान रखते हैं। तो सर इन चीजों को भी ध्यान रखो ना प्लीज। इसी तरह प्यार देते रहे। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।